तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन जो बॉन्ड है उनको बेसिकली जो एक जेपी मॉर्गन है, अगर आप सबने नाम सुना हो एक जेपी मॉर्गन संस्था का, तो एक इंडेक्स जारी करता है, ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट के लिए ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जारी करता है। इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को शामिल कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। भारत की सरकार पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रही थी कि इनके जो बॉन्ड जारी करते हैं उसको ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जाए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से ये शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन फाइनली जो जेपी मॉर्गन नामक संस्था ने इसको अपने जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। तो ये पूरा मैटर क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप न्यूज पढ़िए, इंडिया टू बी पार्ट ऑफ जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। इंडिया क्या है, जो जेपी मॉर्गन एक संस्था है उसका एक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में शेयर बाजार में क्या होता है, एक सेंसेक्स करके इंडेक्स होता है, निफ्टी करके इंडेक्स होता है, ऐसे क्या जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है। तो उसमें क्या किया गया, इंडियन जो बॉन्ड है उसको शामिल कर लिया गया। ये पूरा मैटर क्या है, हम इसको वन बाय वन करके समझेंगे। सेकंड पार्ट है जेपी मॉर्गन टू इंक्लूड इंडिया इन इट्स इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स, पेविंग द वे फॉर बिलियंस इन इनफ्लो। इससे क्या होगा, भारत में अरबों डॉलर का इनकमिंग होगी। तो पूरा मैटर जानने के पहले हम कुछ बात समझते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा गवर्नमेंट का बजट होता है हमेशा उसके दो हेड होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है बताओ, एक तो इनकम हो, इनकम जिसको हम कई लोग रेवेन्यू भी कहते थे, एक ही बात है। दूसरा कुछ खर्चा होता है आई वे का, ठीक है। रेवेन्यू के दो ही बजट के दो ही हेड होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। लेकिन हम हमेशा ये जानते हैं कि भारत में सरकारों का डिफरेंट टाइप से खर्चा करती है तो उनका एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। बात यहाँ तक हम यहाँ पर सरकार से कम मान ले, भारत सरकार की बात मान लेते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा से एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पर खर्चा करती है। तो फिर ये आमदनी अठन्नी खर्चा कहाँ से आएगा, तो ये जो आमदनी अठन्नी है खर्चा रुपया जो बीच का डिफरेंस है, इसी को हम देशी भाषा में कह देते हैं इकोनॉमी के टर्म में फिस्कल डेफिसिट। आप सबने आज दिन तक नाम सुना होगा कि राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ गया। तो राजकोषीय घाटा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हर साल बजट आता है, बजट में कुछ इनकम होती है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो आज के बाद कभी भी राजकोषीय घाटा में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा बात है कि भाई इस साल सरकार ने 100 रुपये खर्च कर दिए, 50 रुपये इनकम है, तो 50 रुपये का क्या है, राजकोषीय घाटा है। अब घाटा है तो ये पैसा आएगा कहाँ से, तो जाहिर सी बात है अगर आपका खर्चा 100 रुपये है और आपकी इनकमिंग या आपका इनकम 50 रुपये है, तो भी बाकी 50 रुपये कहाँ से आएगा। तो एक ही तरीका होता है, ये निजी जिंदगी में भी लागू होता है, वो है उधार का। तो गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, ये फिस्कल डेफिसिट के लिए भरपाई के लिए क्या करती है, बोरोइंग करती है, ठीक है। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बोरोइंग करेंगे तो बोरोइंग ऐसे तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट जारी करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी से कहते हैं, या इसको बॉन्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड जारी करते हैं। ऐसे कागज का टुकड़ा होता है, समझ करो गवर्नमेंट को समझ करो 50 रुपये उधार देने, तो 5 रुपये का ये, ठीक है, ये 5 रुपये का कागज का टुकड़ा जारी कर दिया, कह दिया कि क्या ये 5 साल के लिए ले रहे हैं उधार, और कितना परसेंट पर, 8% ब्याज दर पर ले, 8% ब्याज दर पर 5 साल के लिए 5 रुपये उधार ले रहे हैं। तो ऐसा जिस चीज को भी चाहिए उधार ले लेगा। तो ये जो टूल जारी करता है, जो इंस्ट्रूमेंट जारी करता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड कहते हैं। हम दोबारा समझ रहे हैं, गवर्नमेंट का इनकम हमेशा कम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जिसको अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी। उधार लेने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ ना कुछ कागज का टुकड़ा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जारी करनी पड़ेगी। तो जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जारी करते हैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड कह देते हैं। ऐसे कागज के टुकड़े टाइप होती है, हालांकि आज के जमाने में तो गैर जमाना, पुराने जमाने में कागज के टुकड़ों पर जारी होती थी, आजकल तो हर चीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही कह देते हैं भाई ठीक है, 100 रुपये का ये चीज़ है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उधार ले रहे हो, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, उस हिसाब से काम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट से जो सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड होता है, उसको बॉन्ड कह देते हैं, जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक क्या सिस्टम था, अब तक ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड था ना, वो केवल डोमेस्टिकली जारी करते थे। क्या करते थे, डोमेस्टिकली जारी करते थे, केवल इंडिया के अंदर जारी कर दिया। मुंबई में जो शेयर मार्केट के माध्यम से जारी कर दिया, आराम से जिसको खरीदना है उसको खरीदो, जिसको बेचना है बेचो। जनरली इनके सबसे बड़े बोरोवर कौन होते हैं, बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है। अब बैंक क्यों होते हैं बताओ, मैंने पढ़ा रखा है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कोटा पूरा करना, 18% जो उनके पास जमा रहा ना उसका 18% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना, तो बैंक को तो खरीदना पड़ेगा मजबूरी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा आता है LIC वगैरह पास, वो भी इसमें निवेश कर देती, तो ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, इसमें बाद में बताऊं, गवर्नमेंट ने ये बोरिंग करी, ठीक है, अभी देश के अंदर ही कर रहे हैं डोमेस्टिक, ठीक है। तो अब बताओ डोमेस्टिक में खरीदार तो लिमिटेड होंगे, बायर तो लिमिटेड होंगे ना, बायर तो लिमिटेड होंगे, ठीक है।
जब बाय लिमिटेड होंगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक तो इंटरेस्ट रेट हाई देनी पड़ेगी नहीं लोन पे की। भाई जब बायर कम है, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी जारी कर ली, खरीदार कम है, तो गवर्नमेंट को उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को हायर करना पड़ेगा, हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करने पड़ेगा। साथ में अगर सपोज करो बाजार में 100 रुपये अवेलेबल है, उसमें से 50 गवर्नमेंट ने ले लिया, तो बाजार में और भी लोग भी तो उधार लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उधार लेती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा बिरला अडानी अंबानी टाइप के लोग भी तो उधार लेते हैं, आप और हम जैसे भी कोई हाउसिंग लोन ही लेते हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा, जो भी डोमेस्टिक सप्लाई पैसे ही कम हो जाएगी, जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है ना उनको पैसा कम पड़ेगा, बताओ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 100 रुपये में से अगर 50 गवर्नमेंट ने उधार ले लिए, तो फिर जो देश के लिए बाकी लोगों के लिए तो 50 रुपये अवेलेबल हुए ना, तो ये सब समस्या थी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो हम बोरो कर रहे हैं ना, ये बॉन्ड वगैरह बॉन्ड या जिससे कह दो, इसको विदेशों में भी किया जाए, फॉरेन में भी लिस्टेड किया जाए, फॉरेन में भी लिस्टिंग की जाए, लेकिन दोस्तों अब तक फॉरेन में लिस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि फॉरेन में जो कंपनी वगैरह होती थी वो कई सारी कंडीशन के साथ, कई सारी कंडीशन थी, वहाँ टैक्सेशन का सिस्टम था और कई सारे सिस्टम थे, तो वो इसको इंडियन जो करेंसी थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, बात यहाँ तक तो प्रॉब्लम क्या थी, हम क्या चाहते हैं समझ के बात को, उसके बाद हम पहुँचते हैं जेपी मॉर्गन पर। आप सबने शायद ही कोई हो जिसमें जेपी मॉर्गन का नाम नहीं सुना हो। जेपी मॉर्गन बेसिकली यूएस बेस्ड एक बैंक है, यूएस का बैंक है और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क पर है। और केवल अमेरिका का बड़ा बैंक नहीं, ये पूरी दुनिया में काम करता है, लगभग दुनिया के 200 देशों के आसपास की पहुंच है, ये कई सारे बैंकिंग के अलावा कई सारे और भी काम करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है, कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करता है ये, इसके अलावा और कई सारे फाइनेंस का जितना भी काम है सब कुछ काम करता है, मतलब पूरी दुनिया में जेपी मॉर्गन का एक बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ तक हमारी कुछ बातें आपको क्लियर होगी होगी दोस्तों, बॉन्ड वगैरह के बारे में आपको सब कुछ समझ गए होंगे। अब एक बात करेंगे हम लिस्टिंग की वगैरह की, आप लोग मुझे बताओ सेंसेक्स के बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है? तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है, ठीक है, ये तो हम समझते हैं, सेंसेक्स एक इंडेक्स है किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये 30 कंपनियों का एक समूह होता है, ये 30 कंपनी है, इसका एक ग्रुप होता है, 30 कंपनियों का शेयर को मिला के क्या बना दिया, एक सेंसेक्स बना दिया, ठीक है। सब को इसमें ए बी सी डी ऐसे 30 कंपनियां होती है। अब देखो एक जो निवेशक होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप देखना शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पैसिव, एक होते हैं एक्टिव, ठीक है। बात यहां पर देखो, एक्टिव जो इन्वेस्टर होता है ना, वो अपना दिमाग लड़ाता है, क्या करता है, अपना ब्रेन लड़ाता है, अपना ब्रेन लड़ाता है और अपनी रिसर्च करता है, और उसके हिसाब से क्या करता है, परचेज करता है। भाई एक्टिव जो इन्वेस्टर होता है वो अपना दिमाग लड़ाता है, क्या करता है, और दिमाग लड़ाता है और रिसर्च करता है, और उसको लगता है कि 30 में से कौन सी कंपनी बढ़िया, या 30 के बाद भी कोई कंपनी अच्छी हो सकती है तो मैं उस कंपनी में निवेश करूंगा। लेकिन जो पैसिव इन्वेस्टर होता है ना दोस्तों, वो दिमाग नहीं लड़ाता, वो क्या करता है, इस जो 30 कंपनी का शेयर है इसको सेंसेक्स कहते हैं, इसको फॉलो करता है, वो अपना पैसा इस 30 कंपनियों में ही लगा देगा, 30 कंपनियों में क्या करेगा, उसके जो प्रोफेशनल है, जो उसका इंडेक्स वेटेज है, उसके हिसाब से निवेश कर देता है। तो समझो पैसिव कंपनी जो पैसिव इन्वेस्टर है वो दिमाग नहीं लगा रहा अपना, वो तो 23 कंपनी में निवेश कर दिया, अब सेंसेक्स बढ़ेगा तो अपने आप उसका पैसा बढ़ेगा, सेंसेक्स घटेगा तो उसका पैसा घटेगा, अपना दिमाग नहीं लड़ाया उसने, तो 30 कंपनी जो सेंसेक्स में थी उसमें सिंपल निवेश कर दिया, उनके परसेंटेज के जितना भी वेटेज है उसके अनुपात में। लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर होता है दोस्तों, ये अपना दिमाग लड़ाता है, ये 30 में निवेश नहीं करेगा, ये सेंसेक्स में निवेश नहीं करेगा, ये एक कंपनी को दो कंपनी को चूज करता है, जिसका फिर दाम घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहां तक बात समझे क्या, कुछ निवेशक के प्रकार एक्टिव पैसिव, पैसिव में क्या होता है, दिमाग नहीं लड़ना आपको, ये 30 कंपनियां परफॉर्म करोगी तो आप पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, अपने दिमाग से कोई निवेश नहीं कर रहा आपको, आपने सेंसेक्स को फॉलो कर रहे हो, सेंसेक्स ग्रोथ करेगा तो आपको पैसा ग्रोथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, एक कंपनी है वो डूब भी सकती है या कुछ और हो सकता है, तो फिर आपको दिमाग करके टाइम टू टाइम उसको चेंज करना करता रहना पड़ेगा। यहां तक बात ठीक है, ठीक है बात, तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब देखो पूरी दुनिया में दोस्तों तीन फेमस है जो इमर्जिंग मार्केट, भाई भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, ये तो मानते हैं ना, डेवलप कंट्री नहीं, इमर्जिंग कंट्री है, के लिए क्या करते हैं, एक इंडेक्स जारी करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में क्या हुआ, 30 कंपनियों का इंडेक्स था शेयरों का, ऐसे ये क्या करते हैं, जो तीन जो इमर्जिंग मार्केट का एक ग्लोबल इंडेक्स बनाते हैं, उसमें कई सारे जो प्राइवेट इमर्जिंग मार्केट कंपनी को के बॉन्ड को शामिल किया जाता है। ऐसे कौन कौन से, ऐसे एक तो जेपी मॉर्गन का है, ठीक है, जेपी मॉर्गन का, ऐसा कौन सा और कौन सा, एक ना ब्लूमबर्ग का है, ब्लूमबर्ग का, ऐसा एक एफटीएससी का है दोस्तों। ऐसे ये पूरी दुनिया में तीन बड़े इंडेक्स हैं, जहां पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर जितने भी है ना जो बॉन्ड जारी होते हैं दुनिया भर के, वो यहां पर लिस्टेड हो जाते हैं, आगे क्या होते हैं, लिस्टेड हो जाते हैं।
दोस्तों आज की डेट में जेपी मॉर्गन के जो जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स है, जेपी मॉर्गन का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, ठीक है, इसमें कई सारी देशों की कंपनी शामिल, कई सारे देशों के बॉन्ड शामिल है भाई। जैसे कि हो सकता है चाइना की कंपनी, चाइना के देश ने बॉन्ड जारी किया, वो इसमें शामिल है, तो सारी बॉन्ड या जिससे यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। अब इसमें टोटल ऐसे जो पैसिव इन्वेस्टर है ना, पैसिव, पैसिव का मैंने बताया था ना, पैसिव एक कंपनी में निवेश नहीं करते, वो जनरल सब में उसके परसेंटेज के हिसाब से निवेश करते थे। लगभग 210 बिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने निवेश कर रखा है। अब दोस्तों लेटेस्ट में जो घटना आई है वो सुना, मजा आएगा, कि जेपी मॉर्गन ने जो इंडिया का बॉन्ड है ना, इंडियन बॉन्ड या इंडियन जिससे को इसमें शामिल कर दिया। क्या किया अब इसमें जो ये इसका क्या था, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स था, इसमें इंडियन बॉन्ड को भी शामिल कर दिया गया, और वेटेज कितना दिया गया, 10% वेटेज दिया गया। मतलब आप सोचो, ये पैसिव इन्वेस्टर जितना पैसा निवेश करेगा उसका 10% इंडियन बॉन्ड में निवेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर 210 बिलियन डॉलर ये पैसिव इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 21 बिलियन डॉलर कहाँ आएगा, इंडियन बॉन्ड में निवेश हो जाएगा, इंडियन बॉन्ड में निवेश हो जाएगा। मतलब अगर इंडियन बॉन्ड वहां पर इसमें लिस्टेड हो गए तो उनको अपने आप से क्या होगा, 21 बिलियन डॉलर मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी अमाउंट, 21 बिलियन डॉलर, सोचिए आपको दोस्तों। ये तो केवल पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, यहां पर लिस्टेड होगा तो जो एक्टिव इन्वेस्टर है वो भी देते निवेश करेंगे इंडियन बॉन्ड में। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लगभग इस पूरे घटनाक्रम से जो जेपी मॉर्गन ने अपने को शामिल किया, लगभग 30 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया में क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, पैसा आएगा यहां पर बॉन्ड के माध्यम से। तो ये अब बताओ, इतना बड़े मात्रा में पैसा आएगा तो एक तो क्या होगा, गवर्नमेंट को इजी फंडिंग हो जाएगी, होगा नहीं होगा बताओ, गवर्नमेंट को फंडिंग इजी होगी नहीं होगी। गवर्नमेंट जो उधार ले रही थी इंडिया से, अब यहां से लेगी सही, लेकिन विदेश से भी बॉन्ड के माध्यम से इजीली पैसा मिल जाएगा। अब बताओ, बाइट ज्यादा होंगे कम होंगे, बाइट ज्यादा हो जाएंगे, इंडियन तो हिस्से फॉरेनर भी है, तो गवर्नमेंट को जो ब्याज देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, मजा आ जाएगा, भारत सरकार का मजा आ जाएगा, सस्ते दाम पर उसको इजिली अच्छे से अच्छा पैसा उधार मिल जाएगा, आराम से फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों इससे प्राइवेट कंपनी को मजा आएगा, क्यों, मैंने बताया था, अगर सरकार भारत से ज्यादा उधार लेगी तो फिर जो देश की कंपनी है उनको पैसा कम मिलेगा, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट बाहर से पैसा ले रही है ये जो बॉन्ड के माध्यम से, इस जेपी मॉर्गन के इसके इंडेक्स के माध्यम से, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए पैसा क्या होगा, मार्केट ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ा पैसा मिलेगा, तो इनको भी क्या होगा, इजी क्रेडिट मिल जाएगा, और वही जब पूरे पैसा बढ़ जाएगा तो इनको भी चीप इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। देश में फॉरेन जो करेंसी है वो आएगी, फॉरेन करेंसी वगैरह आएगी, तो यहां पर क्या होगा, ग्रोथ होगी, भारत की जीडीपी को भी फायदा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना पैसा आएगा यहाँ पर निवेश होगा तो ओवरऑल क्या होगा, देश की जीडीपी को बूस्ट मिलेगा, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो इस प्रकार से पूरा फायदा ही फायदा है इस घटनाक्रम से। तो ये थी आज की पूरी न्यूज, अब मैं आपको इसको एक बार दोबारा न्यूज पढ़ाता हूँ, फिर आप समझेंगे इसके बाद, इंडिया टू बी पार्ट ऑफ जेपी, जो मॉर्गन है, ये जेपी मॉर्गन साहब है, उनका एक इंडेक्स है, कहते ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, अब इसमें इंडिया, इंडिया का जो बॉन्ड है वो इसमें लिस्टेड हो जाएगा, तो आराम से पूरी दुनिया के जो निवेशक इस जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में निवेश कर रहे थे उसका कुछ पैसा लगभग 10% के आसपास ऑटोमेटिकली इंडिया में आ जाएगा, तो इंडिया में इतनी बड़ी मार्च आ जाएगा, कुड गेट 25 बिलियन डॉलर इनफ्लो। ये कह रहे हैं कि भाई 25 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा आ जाएगा, अलग अलग अनुमान है, कुछ 20 कह रहे हैं, कुछ 30 कह रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी आप मानो कि 20 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया में पैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये थी पूरा जेपी मॉर्गन टू इंक्लूड इंडिया इन इट्स इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स, पेविंग द वे फॉर बिलियंस इन इनफ्लो। बिलियंस का बाद में क्या होगा, इनफ्लो होगा, ये आप पूरा देख सकते हैं स्लाइड के पीपीटी के माध्यम से। जेपी मॉर्गन के मामले में बताया, यूएस का बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, लार्जेस्ट बैंक है इन यूएसए है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये दोस्तों ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि वो इंडेक्स में शामिल होगा, ये अभी आज नहीं होगा, अभी तो 2023 चल रहा है, ये डेट दी गई भाई 28 जून 2024, 28 जून 2024 से इसको इंडियन जो बॉन्ड है उसको वहां पर शामिल कर लिया जाएगा, तो अभी इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। पूरी दुनिया में इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के लिए 3 मेजर इंडेक्स है, जेपी मॉर्गन का है, ब्लूमबर्ग का है, एफटीएससी का। बॉन्ड मैंने बता दे, बॉन्ड क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में जो डिप्रेस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं उसको बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ऐसा इस प्रकार लगभग 213 बिलियन का इंडेक्स है आज की डेट में जेपी मॉर्गन का, तो लगभग अगर इंडिया का वेटेज 10% दे रहा है तो इसका 10% इंडिया में पैसा आएगा, तो 21 बिलियन डॉलर के आसपास आ जाएगा। दोस्तों अब ये तो शुरुआत है, ये तो एक दुनिया की शुरुआत है, अभी तक हम केवल घर पे केंद्रित थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे ग्लोबली बढ़ रहे हैं। आज जेपी मॉर्गन ने शामिल किया, कल से ब्लूमबर्ग शामिल करेगा, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, हमारी रीच बढ़ेगी और हमारे देश में इजिली क्रेडिट पैसा जो बॉन्ड के माध्यम से पैसा कलेक्ट हो पाएगा। ये तो एक स्टार्टिंग है, अदर इंडेक्स भी इसे फॉलो करेंगे, अब ब्लूमबर्ग भी इसको इंडिया को जल्दी मुझे लगता है शामिल कर लेगा। बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट, इजी लोन मिल जाएगा, चीप रेट में मिलेगा,
बेनिफिट फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिट है, पैसा आएगा तो भाई इकोनॉमी तो ग्रोथ करेगी करेगी, साथ में जो प्राइवेट बिजनेसमैन है कंपनी के उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो पूरा मैटर था यही समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।